WDFC की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम WDFC का अपडेट देखने वाले हैं और जो हम अपडेट देखने वाले हैं ये सचिन से लेके वडोदरा का सेक्शन होने वाला है, जो कि 135 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन होने वाला है। ये इस वक्त पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब इसका अपडेट देखा था उस वक्त यहाँ पर पटरियों का काम चल रहा था और यहाँ पर काम अधूरा था। तो आज हम अपडेट देखने वाले हैं डिंडोली से लेके, और आज हम अपडेट कवर करने वाले हैं न्यू उधना स्टेशन तक का, तकरीबन 9 किलोमीटर तक का ये अपडेट आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आप सभी का बिना वक्त गवाए। तो अभी आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है उधना नंदुरबार रेलवे लाइन, और इसके जस्ट राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। हालाँकि इसके ऊपर मैं कई बार डिटेल वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ, तो फिर भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये है वेस्टर्न डेडिकेट की परियोजना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के दादरी से लेके और कनेक्ट करती है JNPT को। ये दोस्तों भारतीय रेलवे की एक बड़ी परियोजना है जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर जिस कंपनी ने काम किया है मिस्त्री इरकॉन टाटा प्रोजेक्ट कंस्टेडियम ने यहाँ पर इसको बना के तैयार कर दिया था अगस्त 2023 में। तो फाइनली यहाँ पर जो इसको ऑपरेट करेगी वो भी इंडियन रेलवे ही होगी, और यहाँ पर जो इसकी ओनर है वो भी इंडियन रेलवे ही है। तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा इस वक्त प्रोग्रेस देखने को मिल पा रहा होगा इस इंडियन रेलवे का दोस्तों, जब यह रूट बनकर पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। हालाँकि ये कम्प्लीट ही है, क्योंकि अभी सचिन से लेके और न्यू खोलवाड़ तक यहाँ पर पूरा कंप्लीट है, और उसके आगे जो कि 2024 दिसंबर में बनके कंप्लीट होगा JNPT का हिस्सा है, वो भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी काम अधूरा है, वो भी जल्दी बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये WDFC की परियोजना क्रॉस करती है इंडियन रेलवे के, जो कि इस वक्त ओपन है, जो कि उधना नंदुरबार रेलवे लाइन है दोस्तों। तो अभी आपको यहाँ पर अच्छा खासा जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिल पा रहा होगा। फाइनली आप सामने जो ट्रेन खड़ी हुई देख रहे हैं दोस्तों, ये नेवल रेलवे स्टेशन है, जिससे कनेक्टिविटी यहाँ पर इसको दी गई है इस WDFC की लाइन को आपको सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी अच्छे से मैं आपको इसका व्यू दिखाने वाला हूँ, जो कि इसमें जो लूप लाइन जो मेन लाइन है उसके साथ में इसकी जो कनेक्टिविटी दी गई है वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर अभी सामने मालगाड़ी खड़ी हुई क्लियर देख सकते हैं, जो कि इस WDFC की मेन लाइन से होते हुए सीधा कनेक्ट करती है नेवल रेलवे स्टेशन को और चली जाएगी नंदुरबार की साइड में। अगर नंदुरबार की साइड से अगर जो ट्रेन आएगी उसको अगर जाना होगा मुंबई की साइड में, दिल्ली की साइड में, तो यहाँ से उसको कनेक्टिविटी दी जाएगी, आप देख सकते हैं नीचे होके, और जो नंदुरबार की तरफ जाएगी उसको यहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगी, आप देख सकते हैं क्लियरली इस जगह पर।
तो अब यहाँ पर जो अंडरपास देख रहे हैं ये अंतरौली गांव के लिए और नेवल गांव के लिए यहाँ पर अंडरपास बनाया गया है। और यहाँ पर आप चारों के चार लाइन क्लियर देख सकते हैं, दो बीच में मेन लूप लाइन है और साइड में आप दो लाइन देख सकते हैं जो अप और डाउन के लिए हैं। और ये सीधा सामने आप देख पाएंगे तो अभी आपको देखने को मिलेगा न्यू उधना स्टेशन, जहाँ से आजकल आपको पता ही होगा सूरत से सबसे ज़्यादा माल की ढुलाई की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर सूरत में इसके दो जगह पर स्टॉप बनाया गया है, न्यू उधना स्टेशन सचिन में और एक न्यू गोठन गांव में। दोस्तों तो अभी आप सामने देख रहे हैं ये उधना स्टेशन है और उसके पास जो आप रोड देख रहे हैं दोस्तों वो सारा दरवाजा से लेके और कड़ोदरा हाईवे है जो कि आप सामने देख पा रहे हैं इस वक्त। तो अभी हम एक जगह देखते हैं नेवल रेलवे स्टेशन के, जहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी दी गई है उसका अपडेट भी हम पहली बार ही देखने वाले हैं, जो कि WDFC की कनेक्टिविटी दी गई है। तो अभी अब हम चलेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये देख सकते हैं ये नेवल रेलवे स्टेशन की तरफ अभी हम जा रहे हैं, जहाँ पर ये मालगाड़ी इस वक्त खड़ी हुई है और जहाँ से इस WDFC की लाइन को कनेक्टिविटी मिलती है सूरत से। तो ये नेवल रेलवे स्टेशन के पास अभी हम पहुंच चुके हैं और पास में हम देखेंगे तो मेन लाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उधना और नंदुरबार वाली, और इस ये WDFC की लाइन की कनेक्टिविटी भी इसी जगह से मिलती है। और सामने आप देखेंगे तो आपको बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट देखने को मिल पा रहा होगा इस जगह से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।